आज इंटरव्यू के लिए कुछ स्पेशल बनाया क्या? रूम में ऑर्डर करे मैंने, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आए। ये मेरे भी और मेरी वाइफ के भी फेवरेट हैं, राजमा चावल। जब मैच खत्म हो गया था तो घर से फोन आया था, घर वाले काफी इमोशनल थे, कमेंटेटर्स बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे। मतलब मैंने तो सुना नहीं था और मैंने बाद में भी नहीं सुना। अब घर वालों को आदत नहीं है इन चीजों की, उनके लिए काफी नया था। मैंने उनको बोला आप म्यूट करके टीवी देखो ना, आपको मेरी बैटिंग ही तो देखनी है, उनका सुनना थोड़ी है आपको, उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। मैंने अच्छा करा, मैंने अपने बैट से उनका रन बना के उनका मुंह बंद करा था। शॉट ये भी कड़क है, ये भी छे है, इस छे के साथ अपने अर्धशतक के पार 30 गेंदे 7 छक्के राहुल कंवरपुल। जब रिद्धि आई मेरी लाइफ में तो काफी चीजें चेंज हुई। मेरे को इंडिया कॉल अप हुई, फिर शादी के बाद ऑक्शन हुआ, मेरा ऑक्शन बहुत अच्छा हुआ। अभी 5 महीने हुए हैं हमारी शादी को, तो जैसा IPL चल रहा है पूरी टीम के लिए ही, तो I mean मेरे लिए काफी लक्की है वो। जॉइंट फैमिली थी हमारी, तो बाहर दोस्तों की ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि घर पे ही भाई बहन हम काफी सारे थे। जो भी करना है अपनी फैमिली वालों के साथ ही करना है। बाहर के फ्रेंड्स थे हमारे, 2-3 फ्रेंड्स थे जो बचपन में थे, 2-3 आज भी वही हैं। स्कूल कभी गया नहीं ज्यादा, मतलब स्कूल अगर जाता भी था तो ग्राउंड पे रहता था। इनिशियली मैं काफी अच्छा था स्टडीज में, मेरा मन भी करता था पढ़ने का। मैं क्रिकेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गया, फिर मुझे खेलना ही पसंद था, फिर स्टडीज से थोड़ा हट गया मैं। जब पहले साल में U15 खेला हरियाणा के लिए, तब उसमें अच्छा परफॉर्म किया और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सिलेक्शन हुआ। बैंगलोर में कैंप जो कर रहा था कि इंडिया से 20-25 बेस्ट प्लेयर्स आए हुए हैं U15 के, तो वो डिफरेंट लाइफ देखी, फिर वहां से मैं और ज्यादा सीरियस हो गया। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था जब मुझे चांसेस नहीं मिल रहे थे ना, मुझे ऐसा फील हो गया था कि यार हो गया क्रिकेट का बस, कि मेरी फैमिली ने मुझे इतना ज्यादा बैक किया। उन्होंने बोला पागल है क्या, चांस नहीं मिले अभी, कितनी लंबी लाइफ पड़ी है, 20-21 साल में तू ये चीज सोच लेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। इंडिया के जब मैच आते थे तो देखते थे, उस टाइम पे बैटिंग करते हुए सबको देखते थे। U15 के बाद जब मैं बैंगलोर गया था, तो मैंने वहां पे पहली बार राहुल द्रविड़ सर को देखा था। हमेशा टीवी में देखते आए थे, मतलब मैं तो ऐसा हो गया आँख खुली रहेगी बिल्कुल। अब तो लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई है, कि सबसे ज्यादा है कि लाइफ में डिसिप्लिन आया है बहुत। अभी तो पहले उठ के शावर लेना कंपलसरी है, शावर लेते ही खाना खाना ही खाना है। मैं रिद्धि को यही बोलता हूँ, वो बोलती है ना ये मंगाओ वो मंगाओ, मैंने कहा यार कितने कुछ मंगा ले, घर जैसा टेस्ट नहीं आएगा। लास्ट ईयर IPL का याद है मुझे, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो फोन पे बात कर रहे थे हम, मेरे मैच अच्छे नहीं जा रहे थे, तो वो एक ही चीज बोल रही थी कि अच्छा भी आपको ही खेलना है, अच्छा नहीं जा रहा उससे जो ओवरकम है वो भी आपको ही करना है। 2020 के बाद से ही देखो तो अब ऑब्वियसली मेरे को अपने से भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। अगर फ्रेंचाइजी आपने ट्रस्ट दिखा रही है, राजस्थान रॉयल्स ने दिखाया, उसके बाद गुजरात टाइटंस ने ट्रस्ट दिखाया, तभी मुझे शायद खरीदा। मेरा सिंपल सा मानना है कि अपने प्रोसेस पे ध्यान देते रहो, ट्रस्ट करते रहो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। बहुत लो पॉइंट था वो ऑब्वियसली शारजा वाली इनिंग थी, तो मेरे एरिया में बॉल्स थी जिन बॉलों को मैं प्रैक्टिस में, मतलब वो जो 20 दिन का कैंप था, जब मन कर रहा था जब छक्का मार रहा था, जब मन कर रहा जब चौका मार रहा था, तो और वो बॉल्स मिस हो रही थी मेरे से। फिर शायद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ था, उसके बाद चीजें चेंज हुई थी काफी। जब 3 ओवर में 51-52 रन रह गए थे, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे माइंड में एक चीज आई कि यार इस ओवर में नहीं मारे तो मैच हार ही गए बस। फिर वो ओवर में 5 छक्के लगे और फिर हम मैच जीते। हर क्रिकेटर का यही होता है कि कंट्री के लिए खेलना है, तो वही है ड्रीम, बिल्कुल हिला नहीं है कि इंडिया के लिए वो ब्लू जर्सी में तो खेलना ही खेलना है। राहुल नाम तो सुना होगा।